टीवी इंडस्ट्री में जब भी भोली भाली अभिनेत्रियों का नाम लिया जाता है तो उसमें आयशा सिंह, अंगा भोसले और सुंबुल तौकीर का नाम तो जरूरी शामिल होता है, क्योंकि ये टीवी इंडस्ट्री की बहुत ही ज्यादा सुलझी, समझदार और प्यारी अभिनेत्रियां हैं, जिन्हें चालबाजी और मक्कारी तो बिल्कुल भी नहीं आती है। इसीलिए अभिनेत्रियां कभी मास्टरमाइंड हो ही नहीं सकती। लेकिन दोस्तों, आप टीवी इंडस्ट्री की भोली भाली अभिनेत्रियों के बारे में तो जान गए, पर क्या आप टीवी की लोमड़ी से भी तेज दिमाग वाली अभिनेत्रियों के बारे में नहीं जानना चाहेंगे, जिनका दिमाग मशीन से भी ज्यादा तेज चलता है, जो असल में सबसे ज्यादा मास्टरमाइंड अभिनेत्रियां हैं, जिन्हें कोई माइंड गेम्स में हरा नहीं सकता। तो चलिए आपको आज उन्हीं अभिनेत्रियों से रूबरू करवा देते हैं जो सबसे ज्यादा मास्टरमाइंड और चालाक अभिनेत्रियां हैं। नंबर 1, रीम शेख। बहुत लोगों को तो वैसे ही पता है कि कल्याणी बनकर इन्होंने 6 महीने बाद ही पाखी बनना इसलिए पसंद किया ताकि लोग इन्हें भूल ना जाए। जी हाँ, इन्होंने अपना बादाम वाला दिमाग लगाया और सीरियल फना इश्क में मरजावा को साइन किया ताकि लोग हमेशा इन्हें याद करते रहे और कभी भी इनकी फैन फॉलोइंग कम ना हो। नंबर 2, ऐश्वर्या खरे। लक्ष्मी बनकर दर्शकों के बीच में संस्कार बांटने वाली अभिनेत्री ऐश्वर्या खरे भी बिल्कुल चालाक लोमड़ी हैं। इनका मास्टरमाइंड दिमाग तो सबसे ज्यादा तेज चलता है। जब इन्होंने भाग्य लक्ष्मी सीरियल के लिए ऑडिशन दिया था, पर उससे पहले इन्होंने कई एक्ट्रेसेस को शो के बारे में उल्टा सीधा बोल कर रिप्लेस किया और आज खुद महारानी बनकर इस शो पर राज कर रही हैं। ऐसे में चुगली चपाटी और विलन वाला दिमाग चलाकर ये तो सचमुच मास्टरमाइंड एक्ट्रेस बन बैठी हैं। नंबर 3, तान्या शर्मा। हमेशा हस्ती कूदने वाली अभिनेत्री तान्या शर्मा कभी किसी लड़के के साथ लव में नहीं पड़ी, क्योंकि ये अपना मास्टरमाइंड दिमाग चलाती हैं कि अगर ये किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में पड़ेंगी तो पहले तो इनकी बदनामी होगी, फिर इनका दिल टूटेगा और फिर इन्हें अपने पेरेंट्स से भी काफी कुछ फालतू सुनने को मिलेगा। इसलिए फालतू के ड्रामों में ना पढ़कर आजादी की जिंदगी जीते हुए अपने दिमाग से बहुत कुछ अच्छा अपने लिए सोच लेती हैं। नंबर 4, राधिका मधुकुमार। अभिनेत्री राधिका मधुकुमार इन दिनों ससुराल सिमर का सीजन 2 में काम कर रही हैं और ये इतनी ज्यादा मास्टरमाइंड है कि हमेशा अपने ही शॉट ज्यादा करवाती हैं और दूसरे कलाकारों के सीन खुद प्रोड्यूसर से बोलकर कटवा देती हैं, क्योंकि कोई इनसे ज्यादा फेमस ना हो जाए। इसीलिए राधिका अपना गंदा दिमाग चलाकर दूसरों का बुरा करने पर तुली रहती हैं। नंबर 5, निधि शाह। फिलहाल किंजल बहू बनकर सभी के दिलों में बसने वाली अभिनेत्री निधि शाह तो शक्ल से ही काफी ज्यादा चालाक लगती हैं। इन्हें कई और शोज में काम करने का मौका मिल चुका है, पर ये अनुपमा शो छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर इन्होंने ये शो छोड़ा तो इनका करियर ठप हो जाएगा, क्योंकि इन्हें इस शो से जितनी पॉपुलैरिटी मिल रही है वो कहीं नहीं मिल सकती। इसलिए अपना दिमाग चलाकर इस शो से कई कलाकारों को निकालने की कोशिश में लगी रहती हैं, पर अभी तक ये कामयाब नहीं हो पाई। नंबर 6, शिवांगी जोशी। भले ही टीवी इंडस्ट्री की डिमांडिंग अभिनेत्री शिवांगी जोशी दिखने में बहुत ज्यादा भोली लगती हो, लेकिन इनके अंदर भी शतरंज वाला दिमाग है, तभी तो ये अपने हर पासे को बहुत अच्छे तरीके से चलती हैं। जी हाँ, जब भी इन्हें लगता है कि किसी प्रोजेक्ट और इवेंट से इन्हें लाखों रुपए कमाने का मौका मिलेगा तो ये किसी भी कीमत पर उसे छोड़ती नहीं है, चाहे भले ही इन्हें कोई लालची समझे या फिर बेकार। ये हमेशा पैसों के पीछे भागती हैं और पैसा कमाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। तो दोस्तों, आपकी फेवरेट मास्टरमाइंड एक्ट्रेस कौन है, आप हमें उनका नाम कमेंट करके बताएं। और इसी तरह की मजेदार वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।